नमस्कार। नेता लोगों के उड़ान चालू है क्योंकि 28 तारीख को चुनाव होने वाला है। ऐसे में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में पालीगंज के फील्ड पे पप्पू यादव का आगमन हो चुका है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम उनकी बातों को सुनते हैं। जिला में 300-400 करोड़ का टेंडर होता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रात में खत्म करूंगा उस टेंडर को। हम ले जाएंगे ब्लॉक में 40 लाख से 50 लाख का टेंडर करेंगे। इंटर से एमए किया हुआ जो लड़का है कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाएंगे और 40 लाख का टेंडर हर बेरोजगार लड़के के हाथ में देंगे ताकि वो जिंदगी जिए। अब उसको टेंडर फेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा और वो यूथ होगा। एक भी पप्पू यादव का दामाद या पप्पू यादव का बेटा को कोई टेंडर नहीं मिलेगा। नियोजित हो संविदा हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। आते ही आते कोई नौकरी नियोजित और संविदा पर नहीं हो, ये भरोसा रखिए। मजदूरों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को हम मजदूरी करने नहीं देंगे। 2 साल के अंदर दुनिया का नंबर वन स्कूल होगा, 2 साल के अंदर वर्ल्ड का और नंबर वन अस्पताल होगा। आप जानते हैं डॉक्टर के खिलाफ मेरी लड़ाई, कोई प्राइवेट डॉक्टर क्या नहीं लगेगा। 2 साल के अंदर हम कैबिनेट मीटिंग में कंपल्सरी करेंगे पप्पू यादव का बेटा कलेक्टर और दरोगा का बेटा और आम आदमी का बेटा सरकारी अस्पताल और स्कूल में पढ़ेगा, इलाज कराएगा। जहां आम आदमी जाएगा वहीं पप्पू यादव के बेटे का इलाज होगा, प्राइवेट में कहीं किसी का नहीं होगा। ये कैबिनेट डिसीजन होगा। जो लड़के बेरोजगार हैं 2 साल के अंदर 14 से 20 हजार रुपया रोजगार की गारंटी देती और बच्चों, और यदि हम नहीं कर सके 6 हजार रुपया आज 28 तारीख को हर बेरोजगार यूथ और बेटियों के अकाउंट में चला जाएगा 6 हजार रुपया हर परिवार। पेंशन किसी भी कीमत पर 600 रुपया ये 6 महीना में नहीं, 28 तारीख को आते ही 3 महीना के अंदर पेंशन को हम 3000 करेंगे और 28 तारीख को हर महिलाओं के हर बेटियों के घर में पहुंचा देंगे। ये लड़ाई है मेरी। इंटर जो पढ़ के इंटर लड़का कर लेगा, जो 2 बीघा से नीचे लोग होंगे, जो बेटी इंटर कर लेगी जो गरीबी रेखा से नीचे होगा, बेटी को स्कूटी और बच्चों को मोटरसाइकिल इंटर करने के बाद ताकि वो अपना पढ़ सके अपना जा सके, लेकिन वो 2 बीघा से नीचे वो बच्चा होना चाहिए जिसके पास। ये लड़ाई है मेरी, मेरी लड़ाई बहुत क्लियर है। हम मजदूर पे बच्चों को मजदूरी करने नहीं देंगे, उसको स्कूल में 18 साल तक कंपलसरी करेंगे और जब तक 18 साल वो पढ़ेगा उस मजदूर के बच्चों को, गरीब के बच्चों को पप्पू यादव की सरकार 4000 रुपया महीना हर महीना भेजेगी ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने दे और उसको भूख से मरना नहीं पड़े। ये मेरी लड़ाई है, मेरी लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। मेरी लड़ाई है बिहार को एशिया का नंबर वन बिहार बनाने। मेरी लड़ाई है किसी के जेब पर नेता और पदाधिकारी का नजर ना हो। मैं 3 महीने के अंदर आपको गारंटी देता हूं, आपको रोड पर जो दरोगा या सिपाही कोई जांच करता है एमबीआई आपका कागज ऑफिस में, यदि आपका कागज सही नहीं होगा तो आपको नोटिस भेजेगा। 2 नोटिस के बाद आप नहीं कॉपरेट करेंगे तो आपकी गाड़ी सीज कर लेगा, लेकिन जब तक हम रहेंगे तब तक किसी का गाड़ी दरोगा और एमबीआई रोड पर हम किसी को जांच करने नहीं देंगे और किसी माँ बहन को तंग होने नहीं। मैं आपको विश्वास दिला दुबई की तरह काम होगा, जापान की तरह हम काम करेंगे। जो दुबई में काम होता है हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, मियां बीवी का रूम छोड़ देंगे घर, नेता का, दरोगा का, कलेक्टर का, पति पत्नी का रूम छोड़ देंगे, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा, घर के बाहर भीतर सीसीटीवी कैमरा, चार फोर पर सीसीटीवी कैमरा, सब जगह सीसीटीवी कैमरा। और सीसीटीवी कैमरा में जो अपराधी नजर आया, जो बलात्कारी नजर आया, जो पैसा लेते नजर आएंगे 3 महीने के अंदर वोटर लिस्ट में उसका नाम हटा देंगे, पंचायती राज का चुनाव लड़ने उसके परिवार को ले देंगे और सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे, ना बिजली ना पानी ना आधार कार्ड राशन कार्ड। जो पत्थर चलाएगा, दंगा करेगा, जात पात करेगा उसकी जिंदगी मौत से नरक बना देंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे। याद रखिए मात्र 3 महीने के अंदर ये नाथ नेता बन रहा है, इसलिए लड़ाई मेरी साफ है और हम इसीलिए आपसे मदद मांगने आए। यदि भरोसा हो कि पप्पू यादव हर घर का बेटा है, यूथ को भरोसा हो कि आपका सपना
हम 6 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं, भरोसा होता एक बार जात पात छोड़ दी, पैर पकड़ते हैं आप सब, 500 रुपये पर वोट लेना छोड़ दीजिए, बचा लीजिए बिहार के 13 करोड़ लोगों, बचा लीजिए बिहार के किसानों। ये वो लोग हैं 25 आदमी लड़ रहे हैं जिसको आपने देखा है, एक बार नहीं आया। जदयू का उम्मीदवार क्या है आप, क्या गरीब से मोहब्बत करें, ये बागी उम्मीदवार क्या मोहब्बत करेगा, जाप के आधार पर आ गए। ये माले के उम्मीदवार क्या है, माले जी 15 साल मिला, कभी मांस कभी दूध कभी बैल कभी गाली, ये कौन सा गठबंधन, कब गरीबों की मदद की, दशरथ मांझी को पप्पू यादव ने नीतीश ने छोड़ दिया, नौकरी नहीं दिया, 2 लाख रुपया बेरोजगार रोजगार करने के लिए हम घर पहुंचाए, उसकी तस्वीर लगाए और साथ साथ 8,000 रुपया महीना दशरथ मांझी के घर में हर महीना मैं अकाउंट से पहुंचाता हूं ताकि दशरथ मांझी का परिवार भूखा ना रहे। मैं गारंटी देता हूं हर महीने की 28 तारीख को 7 किलो आटा, 40 किलो अनाज चावल, 5 केजी दाल, 5 लीटर तेल, हर गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार होगा पप्पू यादव की सरकार का 28 तारीख को, मां मैं आपसे वचन देता हूं 28 तारीख को हर गरीब के दरवाजे पर छोला में पैक होकर शक्ति पप्पू बेटा मां के लिए वो घर पर पहुंचेगा ताकि आप किसी भीख नहीं मांग सके और आपका भूखा बच्चा कोई ना रहे। मैं गारंटी देता हूं यदि हर गरीब के घर पर ना पहुंचा तो समझना पप्पू यादव उसी दिन जाएंगे। मैं इसीलिए आपसे कह लिया, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं बिहार को बचा लिया। 30 साल आपने लालू और नीतीश को दिया, 30 साल एक बार जात पात मत करना। मैं पालीगंज के लोगों हमेशा मैं आपके लिए बेटा की तरह काम किया, मैं एक लोगों को यहां से जिताया था, उसने भी पप्पू यादव के पीछ में छुरा भरा, लड़ाई लड़े। आपको याद होगा, आपसे छुट्टी नहीं होगी, सुगौली में हम लोग साइकिल से सवार किए, रात में 12 बजे जहां नक्सली होता था वहां हम जाते थे लाश उठाने आंसू पोंछने। इसीलिए फजलुर रहमान साहब, मैंने एक ईमानदार आदमी, ये फजलू राम है, फजलू शाह है, फजलू चौधरी है, फजलू जाधव है, ये जातिवादी नहीं है पप्पू, संप्रदायवादी नहीं है पप्पू। एनआरसी में लालू का खानदान और मुलायम सिंह का खानदान घर से नहीं निकला, हम 107 सभा किए पटना के बाढ़ में, पप्पू को भगवान बना दिया लोगों ने, और जब एनआरसी की मीटिंग की तो गाली दे दी, हम पूरे दुनिया में गए, हम संविधान को बचाने के लिए। इसीलिए यदि आपको लगे कि पप्पू यादव आपका बेटा है तो आप इनको आशीर्वाद देंगे तो मैं माला पहनाऊंगा। कौन साहब है, याद है कौन साहब, ये कैंची क्या है, ये कैंची इलाज करता है पेट, ये कैंची कपड़ा सीता है, ये कैंची बाल काटता है, ये कैंची किताब बनाता है, और यही कैंची बलात्कारी और जुमलेबाज का झूठ भी काटता है। हम दिल से एक बात पूछना चाहते हैं और मैं बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, क्या बेटे के तरह पप्पू यादव पर भरोसा है आपको कि पप्पू बदल सकता है यार? मैं जोर से पूछना चाहता हूं, नहीं यदि है भर हो तब हाथ उठाइएगा, आपको ट्रस्ट हो कि पप्पू यादव हर घर की जिंदगी 2 साल के अंदर बदलेगा तो आप दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए कि हाँ पप्पू बदल सकता है। मैं पीछे पूछना चाहता हूं अपने गार्जियन लोगों से पीछे, क्या पप्पू पर भरोसा यूथ लोगों को है कि हम बदल सकते हैं बिहार? एक सगा भाई है, बेटे के तरह हर घर पहुंचेंगे। आप एक बार इस पालीगंज से इतिहास बदल दीजिए, पप्पू यादव दुनिया को बिहार बुलाएगा। यही मैं कहने आया हूं, मैं यूथ को कह के जाता हूं, यदि 2 साल के अंदर हर यूथ को रोजगार नहीं मिला मेरे पैदाइश में खत्म होगा, फिर दोबारा कभी नॉमिनेशन पप्पू यादव नहीं देगा। मजदूरों का पलायन नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ क्या माला पहना दें?
सबको फिर से सलाम करता हूँ। आप सब हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। बेटे के तरह यूथ को भी बहुत बहुत प्रणाम। 500 क्योंकि उनकी बार बार जो सेक्रेटरी थे वो बार बार इशारा कर रहे थे घड़ी की ओर, क्योंकि लेट हो गया था। उनके कई जगह चुनावी सभाएं करनी थी, इस कारण जल्दी से ही उतरे और माला भी नहीं पहने और निकल चुके, अपने हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं और उनकी उड़ान भर चुके हैं हेलीकॉप्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं लोग और उनके भी अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं पप्पू यादव, जो कि आप तस्वीरें में भी देख सकते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जा रही है। और वैसे वैसे लोगों को उतावलापन दिखने को मिल रहा है, सब लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं पप्पू यादव को, जैसा कि आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर से हाथ निकालकर पप्पू यादव भी अपने अभिवादन कर रहे हैं। और लगातार यहां पे धूल आने के कारण थोड़ी सी परेशानियां हमें भी हो रही है और जल्द ही अब हेलीकॉप्टर यहां से जाने वाली है। जैसा कि दर्शक देख सकते हैं पूरी तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रही है दर्शक भी, और दर्शक की हुजूम जो कि खासकर हेलीकॉप्टर के समीप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको हेलीकॉप्टर भी देखनी होती है। ऐसे में अब पप्पू यादव यहाँ से उड़ने वाले हैं, उड़ान भर चुके हैं और अगले काफिले की ओर जाएंगे जहाँ पर उन्हें जाना है। और समय की बहुत कम समय मिला है इन लोगों को, इस चलते ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियां हो रही है। 10 से 15 मिनट ही बोलते हैं और निकल जाते हैं। पहले की तरह भाषण नहीं हो पाती है क्योंकि एक दिन में कम से कम 6-7 रैलियां करने पड़ती है, इस कारण से वो निकल चुके हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ देख रहे हैं। और ऐसे ही शेयर करते रहिए, प्लीज़ शेयर करिए, ज़रूर कीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा और यूट्यूब पर ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।